श्री राम दोस्तों, इस समय हम प्रयाग में हैं और नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। वैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कुंभ का दृश्य दिखाता हूँ। सामने और हम सब लोग नाव में बैठे हुए हैं, आनंद आ रहा है। यहाँ पे पक्षियाँ भी बहुत सारे आए हुए हैं, विदेशी मेहमान जो हमारे पक्षी हैं। ये देखिए, अभी हम संगम में जा रहे हैं जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है, वो सब हम देखेंगे। ये देखिए, अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। श्रीमती मीरा जी बैठी हुई हैं। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाभी जी हैं, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग नहा ले लगे? हाँ, नहा ले। अद्भुत चीज देखने को मिली थी। यहाँ सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं, कोई पाती नहीं, कोई नहीं जानता किसी को, बस एक ही धर्म के नाम पर हम इस पवित्र नगरी में सब नहा रहे हैं। हिंदुओं की एकता समरसता का इससे बड़ा उदाहरण हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। सभी को में आना चाहिए। बताइए भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको? बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मोदी जी की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत शानदार, अच्छा लगा मोदी जी की व्यवस्था। यहाँ पे सभी लोग मोदी जी की बहुत सराहना कर रहे हैं, योगी जी की बहुत सराहना कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, साफ सुथरा है कुंभ, और टॉयलेट, स्वच्छता, खाना पीना भी एक रिजनेबल रेट्स पर अवेलेबल है। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पे कोई लूट मच रही है, बहुत ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं लोग। हर चीज़ रिजनेबल रेट्स पे है, वाजिब है। कुंभ हर व्यक्ति के लिए है, कोई धनाढ्य उसके लिए भी है, जो निर्धन है, जिस पास कम पैसा है, उसके लिए भी कुंभ के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सबको इस कुंभ में आना चाहिए, और जो कुछ यहाँ पे एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है, सबको आनंद उठाना चाहिए। भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय।